ये है वक्त मीडिया। पहली जंगे आजादी 1857 के शहीद चौधरी जबरदस्त खां व शहीद नवाब उल्फत खां की याद में 13 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शाम शहीदों के नाम उन्वान से एक अजीमुशान नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे एक्टर, शायर, राइटर, हापुड़ की जानी मानी शख्सियत जनाब फसी चौधरी साहब। दूसरे कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मरगूब त्यागी साहब। तीसरे कन्वीनर रहे शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब। मेहमान खुसूसी रहे उर्दू नवाज शख्सियत उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जनाब शाहिद मंजूर साहब। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का ये वीडियो। एक बेहतरीन शायर दर्स तदरीस से वाबस्ता है, अलीगढ़ से हमारे साथ तशरीफ फरमा है। एक बेहतरीन शायर डॉक्टर मुजीब शहजर उर्दू अदब में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं उनके हुजूर पहुंचना चाहता हूं। बहुत हेलो अदब और एहतराम के साथ मैं वालिद मोहतरम मसरूर जौहर साहब के दो मिसरे पढ़ता हूँ उनके एजाज में। के उन्होंने कहा था कि चाहा जो कभी खामिये गालिब निकल आए लफ्जों की हिमायत में मतालिब निकल आए। और एजाज मेरा हुस्न समात सुनसान मकानों से मुखातिब निकल आए। डॉक्टर मुजीब शहजर साहब उर्दू दुनिया की एक ऐसी शख्सियत जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर मुजीब शहजर साहब, बहुत शुक्रिया भाई शीबान कादरी साहब। यकीनी तौर पर आज की ये मखसूस शेरी नशिस्त अपने आप में किसी बड़े मुशायरे से कम नहीं है। इसमें आसमान अदब के महताब और आफताब के साथ साथ जो कहकशां यहाँ पर बिखरी हुई है शराय कराम की, वो अपने आप में मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े मुशायरों में भी हम एक जगह इन शराय कराम को नहीं सुन पाते हैं। और वहीं जहाँ शराय कराम और शायरात अपनी जगह अहमियत रखती हैं, वहीं इतने अच्छे सामाईन भी बहुत कम मिलते हैं। मैं सबसे पहले जिस ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है, आज दोपहर मैंने फराज चौधरी साहब से बात की, उस सिलसिले से मैंने दो चार शेर निकाले हैं, मैं पेश करना चाहता हूँ। आओ सुनाऊं तुमको कुर्बानी का किस्सा, आओ सुनाऊं तुमको कुर्बानी का किस्सा, अहले ईमा का आज़ादी में हिस्सा। आओ सुनाऊं तुमको कुर्बानी का किस्सा, अहले ईमा का आज़ादी में हिस्सा। गदर हुआ था 1857 का, रूप धर लिया अंग्रेजों ने रावण का। गदर हुआ था 1857 का, रूप धर लिया अंग्रेजों ने रावण का। मजलूमों पर गोली वो चलवाते थे, अपनों से अपनों को ही मरवाते थे। मजलूमों पे गोली वो चलवाते थे, अपनों से अपनों को ही मरवाते थे। जबरदस्त खां अंग्रेजों के फौजी थे, राहे हक पर चलने वाले राही थे। जबरदस्त खां अंग्रेजों के फौजी थे, राहे हक पर चलने वाले राही थे। जब ये सुना के कारतूस में है चर्बी, अंग्रेजों से खुली बगावत फिर कर दी। और अमर किया उल्फत ने अपने नाम को खलत मलत कर डाला टेलीग्राम को। और मोहर लगाकर जुर्रत इजहार पर लटकाया दोनों को आखिरदार पर। उल्फत खां और जबरदस्त की कुर्बानी, भूल नहीं पाएंगे हम हिंदुस्तानी। शुक्रिया, बहुत अच्छा। ये आज मैंने फराज से बात की, इन दोनों शहीदाने वतन के ताल्लुक से मैंने दोपहर में बात की थी, चंद शेर हुए मैंने पेश कर दिए।
इजाजत हो तो चंद शेर और पेश करूँ। हाँ मैं पेश करता हूँ, मुतअद्दिद बार यहाँ पर हाजिरी हुई है, पता नहीं मैं यहाँ क्या पढ़ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि चंद शेर ताज़ा पढ़ दूँ, उसके बाद शेर पेश कर रहा हूँ कि जख्म से रिश्ते लहू को सुर्ख पानी कर गया, जख्म से रिश्ते लहू को सुर्ख पानी कर गया, जब भी वो आया हकीकत को कहानी कर गया। जख्म से रिश्ते लहू को सुर्ख पानी कर गया, जब भी वो आया हकीकत को कहानी कर गया। आसमां से एक समंदर की तरह आया था वो, आसमां से एक समंदर की तरह आया था वो, वक्फ हर सहरा नशी के जिंदगानी कर गया, वक्फ हर सहरा नशी के जिंदगानी कर गया। मैं तुम्हारा आईना हूँ अक्स अपना देख लो, मैं तुम्हारा आईना हूँ अक्स अपना देख लो, खत्म इस जुमले पे सारी लंतरानी कर गया। मैं तुम्हारा आईना हूँ, शुक्रिया, मैं तुम्हारा आईना हूँ अक्स अपना देख लो। और देखें कि चांद के उजले बदन पर एक काला सा निशान, चांद के उजले बदन पर एक काला सा निशान, जिंदगी के रोजो शब की तर्जुमानी कर गया। बहुत अच्छा है। चांद के उजले बदन पर एक काला सा निशान, जिंदगी के रोजो शब की तर्जुमानी कर गया। और उसके अंदाजे तकल्लुम में ये कैसा सोच था, उसके अंदाजे तकल्लुम में ये कैसा सोच था, पत्थरों के जिस्म को भी पानी पानी कर गया। उसके अंदाजे तकल्लुम में ये कैसा सोच था, पत्थरों के जिस्म को भी पानी पानी कर गया। और शहजर अपने जिस्म पर कंबल लपेटे एक फकीर, शहजर अपने जिस्म पर कंबल लपेटे एक फकीर, सारी दुनिया पर सुना है हुक्मरानी कर गया। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शहजर अपने, शुक्रिया, शहजर अपने जिस्म पर कंबल लपेटे एक फकीर, सारी दुनिया पर सुना है हुक्मरानी कर गया। और दो तीन शेर और देख लेते हैं, तहत नहीं पढ़ देता हूँ, ज्यादा पढ़ दूंगा तर ज्यादा शेर पेश कर सकता हूँ तरन्नुम के मुकाबले। तरन्नुम सुना दिए डॉक्टर साहब, फजी साहब की वैसे भी फरमाइश है कि तरन्नुम से जरूर सुनना। तरन्नुम वाला हाँ मैं पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ जी, एक दो तीन शेर सुन लीजिए उसके बाद। जमाना आज फकत इनफरादियत का है, जमाना आज फकत इनफरादियत का है, मगर ये मरहला पहले सलाहियत का है, मगर ये मरहला पहले सलाहियत का है। गुमान उसको बहुत अपनी शख्सियत का है, गुमान उसको बहुत अपनी शख्सियत का है, कसूर उसका नहीं उसकी तरबियत का है, कसूर उसका नहीं उसकी तरबियत का है। गुमान उसको बहुत अपनी शख्सियत का है, कसूर उसका नहीं उसकी तरबियत का है। शुक्रिया। मैं अपने आप से मिलना तो चाहता हूँ मगर, मैं अपने आप से मिलना तो चाहता हूँ मगर, बस इंतजार मुझे खैर व आफियत का है, बस इंतजार मुझे खैर व आफियत का है, बस इंतजार मुझे खैर। और शेर याद आ गया, देखें शेर कि तू अपने लफ्जों को इतना भी बेलगाम न कर, तू अपने लफ्जों को इतना भी बेलगाम न कर, ये बात अलग के जमाना जदीदियत का है। तू अपने लफ्जों को इतना भी, शुक्रिया, इतना भी बेलगाम न कर, इतना भी बेलगाम न कर, ये बात अलग के जमाना जदीदियत का है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से दूती शेर, बेगरज बेमहल बे नतीजा सफर, बेगरज बेमहल बे नतीजा सफर, मेरी तकदीर में उम्र भर का सफर, बेगरज बेमहल बे नतीजा सफर,
पूछती है ये अब मुझ से मेरी थकन, पूछती है ये अब मुझ से मेरी थकन, मंजिलें बेच कर क्यों खरीदा सफर, पूछ शुक्रिया पूछती है ये अब मुझ से मैं मोहब्बत आपकी मेरी थकन मोहब्बत है, मंजिलें बेच कर क्यों खरीदा सफर, बेगरज बेमहल बे नतीजा सफल, कोई मंजिल नहीं कोई रहबर नहीं, आज जो हमारी हालत है, कोई मंजिल नहीं कोई रहबर नहीं, अनगिनत रास्ते और तन्हा सफर, बेगरज बेमहल बे नतीजा सफर। और शेर पेशे खिदमत है, कश्मीर के हालात सुलझ नहीं पा रहे हैं, देखें शेर, देखिए जाके रुकता है किस मोड़ पर, देखिए जाके रुकता है किस मोड़ पर, वादिये बर्फ का ये सुलगता सफर, देखिए जाके रुकता है किस मोड़ पर, वादिये बर्फ का ये सुलगता सफर, बेगरज बेमहल बे नतीजा सफर। और मक्ता पेशे खिदमत है, कूक से जिसकी शहजर धड़कता था दिल, कूक से जिसकी शहजर धड़कता था दिल, कर गया शाख से वो परिंदा सफर, बेगरज बेमहल बे नतीजा सफर। बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, और ये प्रोग्राम फसी चौधरी साहब कई साल से यहाँ पर मुनक्किद करते रहते हैं, और ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने अजदाद को, और खुसूसी तौर पर ऐसे अजदाद को जिन्होंने मुल्क की खातिर, हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ असासा लुटा दिया, उन लोगों की याद में, उन अजीम शख्सियात की याद में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। यकीनी तौर पर काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल मुस्तहसन हैं उनकी कोशिशें। आइए मैं डॉक्टर साहब ने अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।